देखिए विकल्प फार्म पे विकल्प स्प्रिंकलर, ये जो लगा हुआ है फ्लेक्सी स्प्रिंकलर और निराई का कमाल, ज़रा पौधे की फर्क देखिए। और दिखाइए ज़रा चंदेल जी, और पौधे का दिखाइए, ये वाला देख लो सर, ये देखिए, ये देखो लदा पड़ा है, ध्यान से देखिए ना, कोई भी देखिए, पूरा खेत देखिए। ये धान के बाद में मटर की गई है, ये खाने वाली मटर है, ये कमाल है इस स्प्रिंकलर और विकल्प निराई यंत्र का बैटरी चालित। ये देखिए, दिखाइए ज़रा चंदेल जी, इस तरह का दाना है, ये दाना है तो मिक्स क्रॉपिंग। ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है, ये सारी मेड़ों पर पेड़ लगा दिए गए हैं, ये केला लगाया है, नींबू लगाया है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी मेड़ों पे पेड़ लगे हुए हैं। और ज़रा ये शानदार नज़ारा देखिए, ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं फ्लेक्सिबल, और इससे गेहूं में जो रौनक आ रही है उसको आप देखें। बैटरी चालित वीडर का कारनामा देखिए, ये बीच में नालियां बन रही हैं, इसमें खरबूजा तरबूजा लौकी तुरई जैसी, तो ये नाली में जरा से चलवा के दिखाओ, ये देखिए ये साइडें साफ कर रहे हैं नाली की, है ना, और ये जो है इसके अंदर चला रहे हैं, नाली बनाओ, देखिए ये देखिए नाली बनती जा रही है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार का अद्भुत यंत्र है ये, बिना लागत बिना प्रदूषण बैटरी से चलने वाला, इसी से कटाई होगी और इसी से निराई हो रही है, ये सारी निराई कर रही है नालियों के किनारे किनारे की, बाकी खेत में फसल है। ये देखिए कितनी शानदार नाली बना दी है, ये पूरी मेड़ों की सफाई अपने विकल्प बैटरी चालित ब्रश कटर से की गई है, ये काम असंभव हो जाता और जाने कितनी लेबर लग जाती, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें, और ये आप नज़ारा देखिए, स्प्रिंकलर से सिंचाई, पानी की बचत, ये सारे स्प्रिंकलर सोलर से चल रहे हैं, ये इसकी खास बात है, बिना प्रदूषण बिना लागत की खेती। गेहूं देखिए, ध्यान से देखिए, बढ़िया शानदार, इस प्रकार से स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है। ये अमरूद का बगीचा है, और इसमें देखिए ये बीच में जई, जिसको ओट्स कहते हैं आजकल, उसकी फसल लगी हुई है, ये अमरूद के बगल में आप देख सकते हैं मेथी बोई हुई है चारों तरफ, और ये नाली खोदी हुई है, इसमें केला लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये मिली जुली खेती है। ये हमारा स्प्रिंकलर चल रहा है जो फ्लेक्सी स्प्रिंकलर है, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, और ये सब कुछ सोलर से चल रहा है, बिना लागत बिना प्रदूषण की खेती। गेहूं और सरसों की शानदार फसल, ये देखिए ये सरसों की लाइन पड़ी हुई है ना, और ज़ोरदार फसल है, कोई रासायनिक खाद नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई वीडिसाइड नहीं, पूरी निराई अपने विकल्प वीडर से हुई है जो बैटरी से चलता है, और पूरी सिंचाई अपने स्प्रिंकलरों से हुई है जो कि जिनको इधर से उधर शिफ्ट किया सकता है, शिफ्टिंग स्प्रिंकलर जो हम लोगों ने बनाए हैं। ज़रा देखिए सरसों को देखिए, ज़ोरदार फसल दिखती हुई, ये है आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। विकल्प स्प्रिंकलर का एक और कमाल, ये देखिए, ये चौथी लौ इसमें काटी जा रही है बरसीम में, कोई रासायनिक खाद नहीं, खाली जीवामृत
और स्लरी का पानी, ये देखिए जरा फसल देखिए, ये सारी की सारी हमारे स्प्रिंकलर से सींची जाती है। और विकल्प साइत जो हाथ से कटाई करने वाला यंत्र है उससे काटी जाती है। अपनी 35 गायों के लिए चारा काटने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं, न कोई लागत न कोई प्रदूषण। ये है SPK खेती। धन्यवाद।